हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और इसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, कि हम लोगों को पढ़ना था लीनियर ट्रेंड, नॉन लीनियर ट्रेंड, या लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना था, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने थे। तो लीनियर ट्रेंड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केस वन पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ ईयर्स ऑड नंबर में दिए हों। आज हम पढ़ेंगे जब नंबर ऑफ ईयर्स इवन में दिए होंगे तो हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इवन, केस टू के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर ट्रेंड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये दो कॉलम केवल गिवन है, ईयर्स के गिवन है और मिल्क कंजम्पशन गिवन है, जिसको हमने वाई ले लिया है। ठीक है, अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 सिक्स ईयर्स दिए हुए हैं। सिक्स नंबर जो है वो इवन नंबर है, 2 से देखिए कट रहा है, तो मतलब क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमने कॉलम बना दिया टी का, टी स्क्वायर का, वाई टी का। और ये जो लास्ट कॉलम हमने बनाया है, ये कब बनाना पड़ता है, जब क्वेश्चन में पूछा जाए, ग्राफ बनाने के लिए भी बोला जाए, तब ये लास्ट कॉलम बनाते हैं, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ये ट्रेंड की इक्वेशन है और इसलिए बनाते हैं क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद टी की वैल्यू पुट करते ही, ये सारे टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू जब आप पुट करते जाओगे तो सबके लिए आपको ट्रेंड मिल जाएगा हर एक ईयर के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, पूछा गया है फाइंड द ट्रेंड इक्वेशन। सबसे पहले ट्रेंड इक्वेशन पूछी गई है, एस्टिमेट द कंजम्पशन फॉर द ईयर 2014। अब 2014 यहां 13 कर लीजिए, 2013। ठीक है, इसके बाद रिप्रेजेंट द डेटा एंड ट्रेंड ऑन द ग्राफ। तो हमने ग्राफ भी बनाया, अभी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, टी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे टी के लिए क्या फॉर्मूला होता था। सबसे पहले जब हम लोगों ने ऑड ईयर्स के लिए पढ़ा था तो हम टी कैसे निकालते थे, कि जो मिड वाला ईयर होता था, जैसे 7 ईयर्स दिए हुए, 3 ईयर ऊपर के छोड़ दिए, 3 ईयर नीचे के छोड़ दिए, तो जो बीच वाला ईयर होता था, तो सारे ईयर में से उस ईयर को हम माइनस कर देते थे तो हमें टी की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन इवन नंबर में अगर ईयर्स गिवन है तो हम टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ईयर माइनस। अब ये हमने लिखा है 2009.5। अब देखो कैसे लिखा है, हमने ये दो ईयर ऊपर के निकाल दिए, दो ईयर नीचे के निकाल दिए, अब मिड में ये दो ईयर बचे हैं 2009 और 2010। अब दो ईयर के बीच का ईयर क्या होगा, 2009.5, तो वो यहाँ पे लिखा है। दोनों ईयर के बीच का ईयर क्या हो जाएगा, 2009.5 अपॉन हाफ से डिवाइड करते हैं, हाफ से डिवाइड करो या टू से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फॉर्मूला ये होता है, तो हमने यही पे लिख दिया है। अब अगर आपको देखिए 2007 के लिए निकालना है मान लीजिए, तो आप कैसे निकालोगे, 2007 माइनस 2009.5 अपॉन 1/2। अब यहां पे ये वाला नंबर बड़ा है तो इसको पहले लिख लीजिए, आपको तो कैलकुलेटर से ही करना है कॉलेज में। ठीक है, तो जब हमने माइनस करा तो हमें मिला 2.5, 2.5 में ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिखा है। इसी तरीके से 2008 से ये माइनस करोगे, डिवाइड 1/2 करोगे तो -3 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, इस तरीके से 1/3 मिलेगा। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हमें ईयर मिल गए और इनका सम मिल गया हमको 0, इसका सम करिएगा आपको 795 मिलना चाहिए। यहां देखिए टी स्क्वायर हमने सॉल्व नहीं किया, टी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से आप पूरा लिखोगे, फिर सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पे मिलना चाहिए 70। इसके बाद वाई टी मतलब y की वैल्यू ये गिवन है, t की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, इनको 103 माइनस इंटू -5 करोगे तो क्या मिलेगा, एक हम लिखे दे रहे हैं, माइनस में मिलेगी वैल्यू
15 माइनस 5 15, यही मिलना चाहिए, क्या मिलेगा माइनस 515। ठीक है, और उसके बाद कुछ वैल्यू प्लस में मिलेंगी, कुछ वैल्यू माइनस में मिलेंगी, सबको सम करोगे तो 511 मिलना चाहिए। तो टी स्क्वायर भी लिख देते हैं, टी स्क्वायर का जो पहला टर्म मिलेगा वो माइनस 5 है तो क्या मिलेगा 25, फिर 9, फिर 1 9 और 25, इन सबको ऐड करोगे 70 मिल जाएगा। ये वाली टेबल आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब करना क्या है, अब करना होता है पुटिंग द वैल्यूज इन द नॉर्मल इक्वेशन। जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उसको हमें नॉर्मल इक्वेशन में पुट करना होता है। नॉर्मल इक्वेशन हमारी लीनियर ट्रेंड के लिए क्या होती है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा टी, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी होती है सिग्मा वाई टी इज इक्वल टू ए सिग्मा टी प्लस बी सिग्मा टी स्क्वायर। अब हमें सिग्मा टी की वैल्यू पता है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। एन क्या है 6 है, कितने नंबर ऑफ इयर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, एन इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। यहां से ए की वैल्यू कैसे निकलेगी 795 अपॉन 6, तो 132.5 निकल जाएगा। यहां पे बी की वैल्यू निकल जाएगी इस इक्वेशन में, जब अब यहाँ पे सिग्मा टी स्क्वायर क्या है 70 पुट कर दिया, सिग्मा टी 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, बी इज इक्वल टू ये हो गया दिस अपॉन दिस, तो 7.3 निकल आया। ए और बी की वैल्यू निकल गई। ट्रेंड इक्वेशन हमको पता होता है क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी टी या वाई सी लिख लो। ठीक है, तो ट्रेंड इक्वेशन होती है ए प्लस बी टी, यहाँ ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, टी की जगह पे टी ही लिखा छोड़ दिया। आपको याद होगा ऑड नंबर के लिए हम लिख देते थे कि टी यूनिट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे टी यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है हाफ, इतना अंतर होता है, इतना लिखना है। अब देखो दिस इक्वेशन विद ओरिजिन एट द मिड पॉइंट ऑफ 2009 एंड 2010, ठीक है, दोनों का जो मिड पॉइंट हमने लिया है इसीलिए यहाँ पे टी एंड टी यूनिट इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ ईयर, वहां पे टी इज इक्वल टू क्या होता था 1 ईयर, ये केवल स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब हमको ये निकालना है, ये कैसे निकालें, जब हमारी ट्रेंड इक्वेशन मिल गई इसी इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको हर ईयर का मिलता चला जाएगा। जैसे पहला हम आपको बता देते हैं, ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है, हमें हमारे पास इक्वेशन है 132.5 प्लस 7.3 इनटू हम 2007 के लिए निकाले, 2007 के लिए टी क्या है माइनस 5। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें 132.5 में माइनस कर दोगे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो आपको मिलेगा, हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2007 के लिए 96। ठीक है, अब अगर आपको 2008 के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की जगह पे माइनस 3 हो जाएगा, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे 2008 के लिए तो मिलेगा 110.6। उसके बाद जब 2009 के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू में माइनस 1, तो 2009 के लिए मिल जाएगा 125.2। इसके बाद जब 2010 के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले जो आपकी वैल्यूज आ रही थी तो माइनस हो रहा था, अब वैल्यूज में क्या होगा ऐड होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी प्लस में है, तो 2010 में मिल जाएगा आपको 139.8, 2011 में मिल जाएगा 154.4 और 2012 में मिल जाएगा 169। ठीक है, अब एक चीज और, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ये ट्रेंड इक्वेशन हमने निकाल ली, क्वेश्चन में पूछा गया एस्टिमेट द कंजम्पशन फॉर द ईयर 2013। अब 2013 के लिए निकालना है तो ये तो हमारे 6 सालों के लिए हो गए, अब हम यहां लिख देते हैं फॉर 2013 की बात आ गई। अब आप देखो 13 के लिए टी तो गिवन नहीं है, लेकिन इसका देखो टी की वैल्यू किस तरीके से आ रही है, पहले माइनस 5 है
फिर माइनस फोर को छोड़ के माइनस थ्री, माइनस टू को छोड़ के माइनस वन, फिर वन, फिर टू छोड़ दिया थ्री, फोर छोड़ दिया फाइव। इसके मतलब 2012 की फाइव है तो 2013 की क्या होगी टी की वैल्यू, सिक्स छोड़ दो सेवन। तो जब सेवन होगी तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में टी की जगह पे आप क्या पुट करोगे, टी की जगह आप पुट करोगे सेवन। तो आपको आंसर मिल जाएगा 183.6। तो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहला और दूसरा, ठीक है। फॉर 2013 कंजम्पशन क्या आ जाएगा आपका 183.6। अब थर्ड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द डेटा एंड द ट्रेंड ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब जो डेटा हम लोगों ने निकाला है उसे हमें ग्राफ पे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बनता कैसे है, एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिख दीजिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है तो यहाँ हमने ईयर्स लिख दी है 2007। अब ये पूरा पूरा यहाँ पे आ ना पाता, 2007, 2008 आप पूरा पूरा लिखना, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 हमने एक्स्ट्रा ले लिया एक और, क्योंकि जब वैल्यू निकाल रखी है तो हमने कर दिया। इसके बाद हमने वाई एक्सिस पे, अब इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पे हम क्या ले लें नंबर्स, तो मैक्सिमम जो नंबर है 183 है, मतलब 200 तक ले लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो हमने 25-25 का गैप करके ले लिया, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200। अब हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये ट्रेंड इक्वेशन है, या आप देख लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आपने मैथ में पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उससे मैच कर रही है, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो, लेकिन ये लीनियर ट्रेंड के लिए है, नॉन लीनियर ट्रेंड के लिए नहीं है। नॉन लीनियर ट्रेंड में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, ठीक है, वो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली रीडिंग थी हमारी 2007 के लिए 96, 2007 के लिए 96, जहां पे हमने पॉइंट नंबर वन डाला है, ठीक है। तो यहां पे हमने 96, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, अंदाजे से। उसके बाद 2008 पे है हमारी 110.6, तो 2008 पे 110.6, फिर 2009 के लिए है 125.2, तो 125.2 थर्ड पॉइंट। इसके बाद 2010 के लिए है 139.8, तो 139.8 ये बना दिया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इसके बाद फिर 11 के लिए हमारा क्या है, 139.8 है कि 11 के लिए, मतलब पांचवा पॉइंट 139.8, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था ना, तो अब वो एग्जैक्ट एक्चुअली बन नहीं पा रहा है क्योंकि अंदाजे से बनाया गया है। फिर 12 के लिए हमारा क्या, नहीं 11 के लिए है हमारा 154.4, तो देखिए 154.4, हाँ सही बना हुआ है 154.4। 12 के लिए आ गया 169, तो 12 के लिए मतलब 175 से नीचे ही रहेगा, तो 169। और उसके बाद लास्ट है 2013 के लिए 183.6, तो 13 के लिए हमने बना दिया 186.6। इन सबको ऐड कर दिया तो सारे जो है ड्रॉ कर, ये लाइन जो है हमने बना दी सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए, तो ये हमारी बन गई स्ट्रेट। कैसा ट्रेंड मिल रहा है हमको, स्ट्रेट लाइन मिल रही, कैसा लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे जिसको आपको इसी तरीके से एग्जैक्टली करना होगा। अच्छा, ये वैल्यूज आप लोग निकाल लेना, ठीक है, सम आना चाहिए 511, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन देंगे जिसमें यही तीन क्वेश्चन, बस इसमें हम सन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यही तीन चीजें आपको निकालनी होंगी, वो होमवर्क क्वेश्चन करिएगा, उसका हम आपको क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे। कौन सा आंसर देंगे, ट्रेंड इक्वेशन बताएंगे उसमें केवल, बाकी सारी चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखें क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा,
तो इसमें ईयर्स गिवन है, इनकम गिवन है, दो चीजें गिवन है, यही दो चीजें गिवन होती हैं। इसके बाद निकालने का मेथड आप लोग समझ चुके हो, क्वेश्चन करना है फाइंड द ट्रेंड इक्वेशन, फिर 2012 के लिए इनकम निकालनी है, ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट द डेटा एंड ट्रेंड ऑन द ग्राफ, फिर ग्राफ बनाना है। आंसर हमने ए की वैल्यू बी की वैल्यू बता दी है, ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन हो गई। 2012 के लिए पूछा था, 2012 के लिए t इज इक्वल टू 13 होगा और y की वैल्यू ये निकलेगी 894.4, ठीक है। बाकी सॉल्व आपको करना है। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।